आपको ये फिल्म में तो एक बहुत बढ़िया रोल था, वो जो रोल है, वो जो कैरेक्टर था, उसको बारे में थोड़ा आप डिटेल्स बताइए, कैसा लगा आपको ये कैरेक्टर करके? मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक नेगेटिव रोल था लेकिन उसमें बहुत सारा फ्लेवर था, मतलब उसमें उसको रोमांटिक भी दिखाया, वो थोड़ा सा बहुत कूल आदमी भी है, और काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। और मेरे अभी तक के करियर में मतलब नेगेटिव लेंथी रोल मैंने ये पहला पेश किया है। अंजंदा से ये आपका पहला फिल्म है? अंजंदा के साथ मेरी डायरेक्टर के बारे में कुछ थोड़ा बताइए, कैसा लगा? अंजंदा के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कूल आदमी है सबसे पहले तो ये है, और नेचर उनका बहुत अच्छा है, बहुत कूलली समझाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। उनका जो विजुलाइजेशन है वो बहुत अच्छा है, मतलब ही इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम वन ऑफ द वेरी गुड डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो और उनका जो ये बैकड्रॉप है इस फिल्म का, वो रूरल बैकड्रॉप है। आज की डेट में बॉलीवुड में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बहुत कम बन रही हैं। एक बनी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, आई थिंक उसके बाद ये बन रही है, जो कि रूरल, इसमें जो रूरल प्रॉब्लम्स हैं जो आज की डेट में जो गांव के लोग अभी भी इंटीरियर में फेस कर रहे हैं, वो इन्होंने दिखाया है। फ्यूडलिज्म, उसके 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 खिलाफ आवाज़ उठी है, और एंड में सच्चाई की जीत होती है। टीम बहुत ही प्यारा था, मैंने आज की डेट में मैंने 15 फिल्में की हैं, लेकिन ऐसा टीम मुझे कहीं नहीं मिला, एक परिवार की तरह, एक बहुत प्रेम के साथ, कोई द्वेष नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हर व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, पूरा सहयोग दिया है, कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा टीम। पता नहीं, इन फ्यूचर मैं चाहूँगा अंजंदा के साथ और भी काम करना, तो होप फॉर द बेस्ट एंड माई विशेस, बेस्ट विशेस टू द टीम ऑफ मथान। यो, वी विल रॉक।